हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ हिना भाटिया एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सो वीडियो के टाइटल से आप समझ चुके हो दैट वी आर गोइंग टू उत्तराखंड एंड दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग चोपता। बहुत ही सुंदर जगह है, हम सबको पता है चोपता, तुंगनाथ, चंद्रशिला। तो ये बेसिकली आप ये सारी वीडियो देखोगे। अब बात करें इस वीडियो की, इस एपिसोड की, तो इसमें आप देखोगे दैट हाउ टू रीच चोपता। पूरी ओवरनाइट की जर्नी है, कह सकते हो कि हम कल लेट इवनिंग तक चोपता पहुंचेंगे क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी भी है एंड प्लस दिल्ली से शुरुआत कर रहे हैं। एंड सेकंड थिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ अ ग्रुप ट्रिप अगेन। यस, दिस इज़ द लास्ट ग्रुप ट्रिप ऑफ 2024 और इसके बाद अब जितने भी ग्रुप ट्रिप्स मैं ऑर्गेनाइज करूँगी वो 2025 में करूँगी। तो इसमें आप देखोगे वो भी। राइट नाउ आई एम इन गुड़गांव, अपने घर पर हूँ और यहाँ से मुझे जाना है दिल्ली। दिल्ली में मैंने सबको जो बोर्डिंग पॉइंट दिया है वो है कश्मीरी गेट, वहीं से मेरा पूरा ट्रैवलर बुक है और उसमें हम जाएंगे। टोटल वी आर 10 पीपल। सो टुडे इज़ 28th ऑफ नवंबर 2024। सो बेसिकली हम कल 29th को पहुंचेंगे चोपता। अभी फ़िलहाल भागती हूँ मैं, मेट्रो से जाऊंगी, कश्मीरी गेट पहुंचती हूँ फटाफट। इस टाइम ट्रैफिक भी बहुत होता है इसलिए मेट्रो इज़ द बेस्ट। फटाफट कश्मीरी गेट पहुँचते हैं, सबको अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं, फिर जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो ऑलमोस्ट सब आ चुके हैं, अभी जस्ट हम अपना लगेज शिफ्ट कर रहे हैं टेम्पो ट्रैवलर में और बस डिपार्ट कर रहे हैं कश्मीरी गेट से। हो गया टाइम, 10:30 हो गया, सबको आते आते। सो जर्नी की शुरुआत अब हो चुकी है एंड 10:30 अप्रोक्सीमेटली हमने शुरू करा है फ्रॉम कश्मीरी गेट। एंड अभी हम कर रहे हैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन राउंड जिसमें हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कौन कहाँ से आया है, क्या करता है एंड एवरीथिंग। आई हैव बीन फॉलोइंग हर ऑन इंस्टा एंड यूट्यूब, सो आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सम अपॉर्चुनिटी ऑफ अ ग्रुप ट्रिप बिकॉज़ उसका अलग ही एक फन रहता है। यू मीट स्ट्रेंजर्स एंड यू हियर देयर स्टोरीज एंड प्रोबेबली यू काइंड ऑफ रिलेट टू देम आल्सो, सो इट वॉट डिफरेंट एक्सपीरियंस है गोइंग विद योर फ्रेंड्स टू बेसिकली जिन्हें आप जानते हैं बहुत टाइम से और एक स्ट्रेंजर्स के साथ जाना। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड हैविंग अ वंडरफुल टाइम। ऑल थैंक्स टू खुशबू, द वन हु इज सिटिंग बिहाइंड, शी इज द वन हु टोल्ड अस अबाउट दिस ट्रिप, या कन्विंस्ड मी एक्चुअली, या एंड शी इज द वन हु टोल्ड मी अबाउट यू एंड योर पेज ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड शी कन्विंस्ड बोथ ऑफ अस लिटरली एंड हर हस्बैंड इज लाइक उनको तो आना ही पड़ेगा साथ में, तो जरूरी है तो हम लोग चारों फिर मैंडेटरी है उनका। आपका इंट्रोडक्शन तो बनता ही बनता है। आई थिंक हो गया प्रीटी मच। आई लव टू ट्रैवल अ लॉट एंड आई एम फॉलोइंग यू सिंस अ ईयर और मे बी 2 years नाउ एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक मीटिंग यू मोर देन ट्रैवलिंग। सच कहूँगा इस बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर, और आप जो मुझे वर्चुअली देखते हो और इन पर्सन जब हम साथ में आके जगहों को स्पेशल एक्सप्लोर करते हैं तो वो एक अलग ही फीलिंग है। सो अभी हम यहाँ पर लाइक एक दूसरे को जानते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए थोड़ी सी अपनी जर्नी कवर करते हैं एंड एक आगे छोटा सा हम एक ब्रेक भी लेंगे। सो लेट मी शो यू द टाइम नाउ, टाइम इज़ 1:20। अब लग रही है इसलिए ठंड, बिकॉज रात के टाइम ठंड वैसे ही ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं ठंड बढ़ेगी ही ऑफकोर्स। तो यहाँ पे जैसे स्टॉप लिया है डिनर के लिए, डिनर तो वैसे क्या 1:20 हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बट हम लेट चले थे दिल्ली से तो एक स्टॉप तो बनता है यहाँ पे। अगर जैसे कुछ चाय कॉफ़ी पीनी है वो शुरू जाना है, कुछ खाना पीना तो वहाँ पर कर सकते हैं एंड फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम ऋषिकेश या देवप्रयाग बता दिए, जो हमारा पहला और एक मेजर एक टूरिस्ट स्पॉट है जो हम कवर करेंगे, बहुत ही सुंदर संगम पॉइंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो पहुंचने के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि सुबह के 6 तो बच जाएंगे, लेट्स सी बाकी कितना टाइम लगता है। ये है शिवा ढाबा, रुद्र शिवा ढाबा। गाइस देवप्रयाग है, सुबह का टाइम अभी 7:15 हो रहे हैं।
सो बहुत परफेक्ट टाइम पे हम देवप्रयाग पहुँचते हैं बिकॉज अभी दिन हो चुका है तो डे लाइट में ही हम इसे इंजॉय कर पाते. आप देख रहे हो यहाँ पे दो नदियों का संगम है, एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा. ये मैं आपको भी ऊपर से दिखा रही हूँ जो कि रोड से व्यू दिखता है ऊपर से, लेकिन अभी हम नीचे भी जाएंगे. सो मेन रोड से एक टर्न आता है, टर्न को लेकर हमें नीचे जाना है. तो जो संगम पॉइंट है बेसिकली वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी वॉक करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि जस्ट आपको कैब वहाँ पर उतार देंगे सीधा आपको संगम पॉइंट. You little bit have to walk down and रास्ता ऐसा है छोटी छोटी गलियां. बाय द वे जैसे मैंने आपको बताया कि पूजा हो रही थी तो ये देखो पंडित जी ने टीका लगा दिया तो हमने पूजा भी अटेंड कर ली. सुबह सुबह मॉर्निंग आरती है कि दो नदियों का संगम व्यू पॉइंट है. दिस इज़ अलकनंदा एंड दिस इज भागीरथी. अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से एंड भागीरथी आती है गोमुख से. दोनों का जब संगम हो जाता है फिर ये बन जाती है गंगा रिवर. गंगे मैया की जय. गंगे मैया की जय. दीपक क्या नाम है जगह का? ये अगस्त वीडियो में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ का नाम है अगस्त मुनि सिल्ली. अगस्त मुनि सिल्ली श्रीनगर से ये कितना आगे है? ये लगभग आपका एक घंटा दूर है. एक घंटा ओके. हाँ तो श्रीनगर हम क्रॉस कर चुके हैं, एक घंटा आगे आ चुके हैं. और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कैफे है जो हमारे गाइड भैया जो है दीपक इज़ अ गाइड, टू ट्रैक लीडर्स है जो मैंने करे अपने ग्रुप के लिए. और सिंस चौपता जा रहे हैं चंद्रशिला जा रहे हैं तो मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट किया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. सो दीपक रिकमेंडेड वन ऑफ द वेरी गुड कैफ़े ऑन द वे. और हम यहाँ पर अभी करेंगे ब्रेकफास्ट और इस कैफ़े का नाम है अगस्त्या. दिस इज़ द कैफे अगस्त्या. ऐसी जगह पर ऐसी फैसिलिटी के साथ एक कैफ़े मिलना इज़ अ बिग थिंग. सो इट्स अ गुड चॉइस. जहाँ पर मत महेश्वर और केदार बाबा जी के दर्शन हम कर सकते हैं विंटर्स के टाइम जब कपाट बंद हो जाते हैं एंड उनको यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है. माय गॉड कितना सुंदर मंदिर है. लेट मी शो यू. ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, बहुत सुंदर डेकोरेट हो रखा है. एंड पीछे यहाँ पे कोई लोकल म्यूजिक चल रहा है. बहुत ही अच्छी फीलिंग है. बेसिकली हम थोड़ा सा हाइक करके जा रहे हैं ऊपर. तो
नीचे जो वो मंदिर है जहाँ से मैंने आपको सब कुछ दिखाया, उसके बाद यहाँ पे हमारे गाइड भी ये बताते हैं कि देयर इज़ वन मोर टेम्पल विच इज़ अष्ट भैरव का मंदिर, और वो भी बहुत ज़्यादा मान्यता है उसकी। तो 1 किलोमीटर ये हाइक कर लो जो भी हम कर रहे हैं, गाँव से होके रास्ता गुजरता है और वहाँ के भी दर्शन करके आओ, अष्ट भैरवनाथ स्वामी मंदिर मार्ग। पीने वाला पानी, ये वाला पानी हमारे आरओ के पानी से ज़्यादा क्लीन और हेल्दी है। लुक एट दिस, सो प्रिटी। जैसे जैसे हाइक कर रहे हैं ना, गर्मी लग रही है, मतलब इस स्वेटर में, बिकॉज ऑफ कोर्स तेज़ धूप है, अभी तो फुल अच्छा वेदर है, सनी वेदर है, तभी इतनी सारी पीक्स भी उस टाइम हमें दिखी, हमें केदार पीक दिखी। मौसम क्लियर होने का यही फ़ायदा होता है। काफ़ी दूर है यार ये, 1 किलोमीटर की हाइक है पूरी। आई टेक यू टू दिस टेम्पल, इसके अंदर मैं आपको लेके जाऊँ, लेट मी शो यू ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन पे है। इस व्यू की बात अभी मैं कर ही नहीं रही, पहले मैं ये दिखाती हूँ कि वहाँ तक जाने का रास्ता इतना ज़्यादा खूबसूरत है। देखो भैरव का मंदिर, और यहाँ पे मैं कैमरा उठा भी पा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई पंडित जी भी नहीं बैठे, और ये काइंड ऑफ एक ओपन मंदिर है, सो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। आई शुड डेफिनेटली शो यू बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग तो आते ही नहीं है, उनको पता भी नहीं है इस बारे में। अगर वो चोपता तुंगनाथ केदारनाथ पे जा रहे हैं तो आई थिंक ये जगह तो मैंने नहीं देखी किसी की वीडियो में, बट यस यहाँ से मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू है माउंटेन्स का, ये भी दिखाती हूँ आपको, देखो पीछे पूरी वादियाँ है। एंड दैट स्नो पीक माउंटेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो किदार रेंज ही है। और यहाँ पर देखो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई पड़ी है, तो इसमें जब लंगर लगता होगा डेफिनेटली यहाँ खाना बनता होगा, तो इस इतने बड़ी साइज, इतना ह्यूज है कढ़ाई का, बर्तन पड़े हैं बेसिकली। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, देखो पानी कहाँ से आ रहा है, गौ माता जी की मुँह की शेता है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पे लगा है, जो इतने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना साथ साथ, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्या ही बताऊँ। इतनी पीसफुल लोकेशन है ऊपर से, मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। नाउ द टाइम इज 5 PM इन द इवनिंग, फेस पे पूरी टायर्डनेस दिख रही है, सब थक चुके हैं, रात के 10 बजे के चले हुए, 10 बजे से तो दिल्ली वाले चले थे, बट कई लोग जो बैंगलोर से आए, कोलकाता से आए, तो लाइक सब बहुत थक चुके हैं, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं चौपता। बाय द वे वेयर आई एम स्टेइंग, जहां मैंने अपने पूरे ग्रुप का स्टे बुक करा है, दैट इज़ 20 किलोमीटर बिफोर फ्रॉम चौपता। चौपता में बेसिकली जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक जो है वो शुरू होता है, वहाँ पे सिर्फ कैंप साइट्स है, आप कैंप में रह सकते हो एंड वहाँ पे सिग्नल भी नहीं होते, बट हेयर जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं इट इज़ 20 किलोमीटर बिफोर फ्रॉम चौपता। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, ऑफकोर्स मैं हमेशा स्टे पे कॉम्प्रोमाइज़, आई डोंट लाइक डूइंग दैट। यहाँ से हम नीचे उतर कर आए, ये छोटा सा गेट है यहाँ पर, अभी चाय आ रही है, कीप उनको चाय, तो अभी चाय कॉफ़ी भी चल रही है जो वेलकम टी एंड कॉफ़ी होती है। एनीवे तो यहाँ से मैं दिखाती हूँ प्रॉपर्टी, दीज आर द रूम्स, ये है इनका गार्डन एरिया,
पहले व्यू से देख लो आप. स्विंग इतनी सही लोकेशन पर है, यहाँ से व्यूज देखो कितने प्यारे हैं. अल्टीमेट व्यू. अब देते हैं आपको रूम का टूर. सो दिस इज माय रूम. एंटर करते कैसे, एंड देन आप देखोगे ये अटैच जो है रूम एक और है यहाँ पर, राइट. एंड देन हियर इज द वॉशरूम. सो बेसिकली दिस इज अ फैमिली रूम. तभी आप देखोगे कि इसमें दो रूम अटैच्ड है विद अ कॉमन वॉशरूम. सो यहाँ पर लाइक अगर आपकी फैमिली है 3 to 4 पीपल कैन ईजली अकोमोडेट. बट मैंने ये भी लाइक सिंगल ऑक्यूपेंसी पे दिया है. और दूसरी चीज़ ये कि जो कपल है कपल के लिए डबल ऑक्यूपेंसी वाला रूम ही रखा है मैंने. सो डबल ऑक्यूपेंसी वाले रूम भी है इनके पास और फैमिली रूम भी है. टोटल हमारे 5 रूम्स हैं अभी जिसमें हम 10 पीपल रह रहे हैं. और बाहर की प्रॉपर्टीज़ सुपर अमेजिंग. अभी तो फिलहाल मैं बहुत टायर्ड हूँ, बहुत थक चुकी हूँ. प्लान ये है कि अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, फ्रेशन अप होंगी सभी, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी चाय कॉफ़ी पीकर. सो विद दिस आज के दिन की हमारी यहाँ पे होती है एंडिंग. एंड कल हम जाएंगे तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक के लिए, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. एंड हमारा आराम करना भी बहुत ज़रूरी है. आई कैन अश्योर यू कि इसके आने वाला नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा थ्रिलिंग, एडवेंचरस और सुंदर होगा. तो मेक श्योर कि आप वो एपिसोड भी देखें. टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग.